हेलो अवर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलर्न आई टी आम आज का जो हमारा वीडियो है इलेक्ट्रिशियन थेरी एम सी क्यू सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रिशियन थेरी एम सी क्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको ऑनलाइन क्लास के जैसे ही हम आपको क्लास कंटिन्यू करवाएंगे जो सिलेबस है आपको सिलेबस के अनुसार हम आपको रेगुलर क्लास करवा कर आपका एग्जाम होने के पहले सिलेबस कवर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर थेरी एम सी क्यू के बारे में तो इसके लिए पहला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर आर्क वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शंट जनरेटर 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 दूसरा सीरीज तीसरा डिफरेंशियल कंपाउंड और चौथा ऑप्शन है कंपाउंड जनरेटर तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग का गुण क्या है जो क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लो करंट लो वोल्टेज दूसरा ऑप्शन है हाई करंट लो वोल्टेज तीसरा ऑप्शन है लो करंट हाई वोल्टेज और चौथा ऑप्शन है हाई करंट हाई वोल्टेज तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में वेब बाइंडिंग का प्रॉपर्टी क्या है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी लो करंट हाई वोल्टेज नेक्स्ट क्वेश्चन वाई आर सॉलिड पोल शोज यूज इन डिसीज जनरेटर डिसीज जनरेटर में सॉलिड पोल शूज का उपयोग क्यों किया जाता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू रिड्यूस द कॉपर लॉस मतलब तांबे के नुकसान को कम करने के लिए दूसरा ऑप्शन है टू इंक्रीज द रे रेसिड्यूल मतलब अवशिष्ट चुंबकत्वों को बढ़ाने के लिए या फिर तीसरा ऑप्शन है टू डिक्रीज द रेसिड्यूअल मैग्नेशियम मतलब अवशिष्ट चुंबकत्वों को कम करने के लिए या फिर चौथा ऑप्शन है टू रेड्यूस द रेलुकेटेंस ऑफ मैग्नेटिक पैथ मतलब चुंबकीय पथ की अनिच्छा अनिच्छा को कम करने के लिए तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि डिसीज जनरेटर में सॉलिड पोल शूज का उपयोग क्यों किया जाता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टू रेड्यूस द रेलुक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पैथ मतलब चुंबकीय पथ की अनिच्छा को कम करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेटल इज यूज टू मेक अ लार्ज कैपेसिटी डिसीज जनरेटर योग बड़ी क्षमता वाले डिसीज जनरेटर योग को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन दूसरा ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और चौथा ऑप्शन है रोल्ड स्टील तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बड़ी क्षमता वाले डिसीज जनरेटर योग को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी रोल्ड स्टील नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन अ डीसी जनरेटर डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है जो क्वेश्चन में पूछा है तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सप्लाई आउटपुट कंटिन्यूसली मतलब लगातार आउटपुट सप्लाई करता है दूसरा ऑप्शन है मेक आउटपुट इन द यूनि डायरेक्शनल मतलब यूनि डायरेक्शनल में आउटपुट बनाता है या फिर तीसरा ऑप्शन है मेक आउटपुट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन या फिर चौथा ऑप्शन है कलेक्ट द आउटपुट फ्रॉम अल्टरनेट कंडक्टर तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेक आउटपुट इन द यूनी डायरेक्शनल मतलब यूनी डायरेक्शनल में आउटपुट बनाता है और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे और जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं हर एक क्लास में हर एक क्लास के जो वीडियो होता है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको पी की लिंक मिल जाएगा या फिर मेरा जो वेबसाइट है डब्ल्यू इलर्न आई टी आई डॉट इन इसमें भी जाकर आप देख सकते हो वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप्स ऑफ वोल्टेज इज इंडस्ड डायनामिकली इन अ डिसी जनरेटर डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पुलिस वोल्टेज दूसरा ऑप्शन है ऑसिकलेटिंग वोल्टेज तीसरा ऑप्शन है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और चौथा ऑप्शन है डायरेक्ट करंट वोल्टेज तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अल्टरनेटिंग वोल्टेज नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द दर्पज ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर डीसी जनरेटर में फील्ड कॉल का उद्देश्य क्या है तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज द फ्लक्स इन ईयर गैप मतलब ईयर अंतराल में प्रभाव को बढ़ाने के लिए दूसरा ऑप्शन है टू डिक्रीज द मैग्नेट मैग्नेस्टाइजिंग करंट मतलब चुंबकत्व धारा को कम करने के लिए तीसरा ऑप्शन है टू मैग्नेटाइज द पोल टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स मतलब कॉइल फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए द्रव को चुंबकित करना और चौथा ऑप्शन है टू इंक्रीज द रिलुक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पैथ मतलब चुंबकीय पथ की, की अनिच्छा को बढ़ाने के लिए तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू मैग्नेटाइज द पोल्स टू प्रोड्यूस क्विडल फ्लक्स मतलब कॉल फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करता है नेक्स्ट क्वेश्चन मेटल इज टू मेक द पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन दूसरा कास्ट आयरन तीसरा कास्ट स्टील और चौथा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कास्ट स्टील नेक्स्ट क्वेश्चन वाई आर द पोल कोर स्टैंपिंग लेमिनेटेड इन द डिस जनरेटर डिसीज जनरेटर में पोल कोर स्टैंपिंग को लेमिनेट क्यों किया जाता है तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेड्यूज द फ्रिक्शन लॉस घर्षण हानि को कम करने के लिए दूसरा ऑप्शन है रेड्यूज विंडेज लॉस मतलब विंडेज हानि को कम करने के लिए या फिर तीसरा ऑप्शन है रेड्यूज द हाई स्टेरिस लॉस मतलब हाई स्टेरिस हानि को कम करने के लिए और चौथा ऑप्शन है रेड्यूज द इडी करंट लॉस मतलब ईडी करंट हानि को कम करने के लिए तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में पोल कोर स्टैंपिंग को लेमिनेट क्यों किया जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेड्यूज द ईडी करंट लॉस मतलब ईडी करंट हानि को कम करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शंट जनरेटर 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 दूसरा सीरीज तीसरा डिफरेंशियल कंपाउंड और चौथा ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए शंट जनरेटर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉम कंपेस्टिंग वाइंडिंग इन अ डिसीज जनरेटर डिसीज जनरेटर में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मिनिमाइज रॉप रॉप कम्युनिकेशन कॉम्यूशन दूसरा ऑप्शन है मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रलाइज द डैमेज नाइट्राइजिंग इफेक्ट मतलब वी चुंबकीय प्रभाव को निष्क्रिय करता है या फिर चौथा ऑप्शन है डिक्रीज द एक्साइटेशन करंट ऑफ फील्ड कॉइल मतलब फील्ड कॉइल की उत्तेजना धारा को कम करता है तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सी न्यूट्रलाइज द डैमेज टाइजिंग इफेक्ट मतलब विचुंबकीय प्रभाव को निकर्षित करता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द इफेक्ट इफ द शंट फील्ड रेसिस्टेंस इज एवो क्रिटिकल रेसिस्टेंस वैल्यू इन अ डिसीज जनरेटर यदि डिसीज जनरेटर में शंट फील्ड प्रतिरोध महत्वपूर्ण प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा तो इसके लिए पहला ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज इज पुल मतलब आउटपुट वोल्टेज संपदित हो जाता है हो जाता है दूसरा ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज इज एवो नॉर्मल मतलब आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर हो जाता है तीसरा ऑप्शन है जनरेटर फेल टू बिल्ड अप वोल्टेज मतलब जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है और चौथा ऑप्शन है जनरेटर बिल्ड बिल्ट अप वोल्टेज नॉर्मली मतलब जनरेटर सामान्य रूप से वोल्टेज बनाता है तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि डीसी जनरेटर में शर्ट फील्ड प्रतिरोध महत्वपूर्ण प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जनरेटर फेल टू अप वोल्टेज मतलब जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द इफेक्ट ऑफ एन आर्मेचर रिएक्शन इन अ डीसी जनरेटर डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव होता है तो इसके लिए पहला ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज मतलब आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है दूसरा ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज मतलब आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है तीसरा ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज इज पुलिस्टिंग मतलब आउटपुट वोल्टेज स्तंप स्तंभित हो रहा हुआ रहता है और चौथा ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज विल बिकम जीरो मतलब आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाता है तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में आर्मीचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव होता है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज मतलब आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन द इफेक्ट आर्मेचर रिएक्शन भी न्यूट्रलाइज इन लार्ज डिसी जनरेटर्स बड़े डिसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है तो इसके लिए पहला ऑप्शन है यूजिंग कॉम्पेस्टिंग वाइंडिंग मतलब क्षतिपूर्ति वाइंडिंग का उपयोग करके दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एडिशनल इंटरपोल्स मतलब अतिरिक्त इंटरपोल उपलब्ध उपलब करा के तीसरा ऑप्शन है इंक्रेजिंग ब्रश कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस मतलब ब्रश संपर्क प्रतिरोध बढ़ा के या फिर चौथा ऑप्शन है एडिंग रेसिस्टेंस वायर विथ वाइंडिंग मतलब winding के साथ प्रतिरोध वायर जोड़कर तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूजिंग कॉम्पेस्टिंग वाइंडिंग मतलब क्षतिपूर्ति वाइंडिंग का उपयोग करके नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द इफेक्ट इन द डीसी जनरेटर इफ इट इफ इट इज केप आइडल फॉर अ लॉन्ग टाइम यदि डीसी जनरेटर को लंबे समय तक आदर्श रखा जाए तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फील्ड क्वल रेसिस्टेंस इंक्रीज मतलब फील्ड क्वल प्रतिरोध बढ़ जाता है दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर रेसिस्टेंस इंक्रीज मतलब आर्मेचर का प्रतिरोध बढ़ जाता है तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज द आर्मीचर रिएक्शन मतलब आर्मीचर प्रतिक्रिया बढ़ जाता है और फिर चौथा ऑप्शन है लॉसेस इट्स ए मैग्नेट मैग्नेटिजम मतलब अपना अपिशिष्ट चुंबकत्व खो देता है जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि डीसी जनरेटर को लंबे समय तक आदर्श रखा जाए तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉसेस इट्स रेडिशनल मैग्नेटिज्म मतलब अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द इंडस ई एम एफ ऑफ फोरपोल डायनामोस कंडक्टर इज सिक्स हंड्रेड द फ्लक्स जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि हंड्रेड आर पी घाव वाले फोर पोल डायनेमो के प्रेरित ई की गणना करें और कंडक्टर की कुल संख्या है 600 जिसमें फ्लक्स पोल 0.064 पॉइंट है तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था इसका इसके लिए पहला ऑप्शन है 160 वोल्ट दूसरा 320 वोल्ट तीसरा ऑप्शन है 480 वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 640 वोल्ट तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1000 rpm लैब घाव वाले फोर पोल डायनेमो के प्रेरित ईएमएफ e की गणना करें और कंडक्टर की संख्या है 600 और फ्लक्स पोल 0.064 Wb है तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 640 वोल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंड्यूस ईएमएफ इफ द मेन फील्ड फ्लक्स गेट डिस्टॉर्टेड इन द डीसी जनरेटर एट डीसी जनरेटर में मुख्य क्षेत्र प्रवाह विकृत हो जाता है तो प्रेरित ई पर क्या प्रभाव पड़ता है तो जो क्वेश्चन पूछा है तीसरा ऑप्शन नो चेंज इन इंडुस ई मतलब प्रेरित ई एम पे कोई बदलाव नहीं होता है और चौथा ऑप्शन है इंडुस ई एम एफ जीरो मतलब प्रेरित ई एम एफ शून्य हो जाता है तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि डीसी जनरेटर में मुख्य क्षेत्र प्रवाह विकृत हो जाता है तो प्रेरित ई पर क्या प्रभाव पड़ता है तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंडू सी एम एफ डिक्रीज मतलब प्रेरित ई कम हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द केस फॉर हैवी स्पार्कलिंग इन ब्रशेस ऑफ डिसीज जनरेटर डिसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का क्या कारण है तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट इन फील्ड वाइल्डिंग मतलब फील्ड वाइल्डिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर वाइल्डिंग मतलब आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर तीसरा ऑप्शन है एम एन एंड जीएनए पोजीशनिंग चेन मतलब एम एन ए और जीएनए की स्थिति बदल बदलने की वजह से या फिर चौथा ऑप्शन है टू मच स्प्रिंग टेंशन एट ब्रश मतलब ब्रश पर बहुत अधिक स्प्रिंग टेंशन की वजह से तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का क्या कारण है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एम एन एंड जी एन ए पोजिशन

नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टोंग टेस्टर दूसरा इंटरनल ग्राउलर तीसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल ग्राउलर और चौथा ऑप्शन है डिजिटल मल्टीमीटर तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक्सटर्नल ग्राउलर नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाइंडिंग वायर इज यूज फॉर डीसी फील्ड कॉइल डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग वायर का उपयोग किया जाता है तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सुपर एनमेल्ड कॉपर वायर मतलब सुपर एनमेल्ड कॉपर वायर का उपयोग किया जाता है दूसरा ऑप्शन है सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर तीसरा ऑप्शन है डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर और चौथा ऑप्शन है पीवीसी कवर कॉपर वाइंडिंग वायर तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मैनी पैरल पैथ इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग इन द आर्मीचर ऑफ पोल डीसी मोटर पोल डीसी मोटर के आर्मीचर तो में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं तो इसके लिए पहला ऑप्शन है दो

राइट हैंड रूल तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी मोटर में आर्मीचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नेक्स्ट क्वेश्चन विच रूल डिटरमाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ डीसी मोटर डीसी मोटर में करंट की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है तो इसके लिए पहला ऑप्शन है राइट हैंड ग्रिप रूल दूसरा ऑप्शन है राइट हैंड फाल्म रूल तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी मोटर में करंट की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नेक्स्ट क्वेश्चन विच रूल इज अप्लाइड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन अ डीसी मोटर डीसी मोटर फ्लक्स की दिशा निर्देश के लिए कौन सा नियम लागू होता है तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कॉर्क स्क्रू रूल दूसरा ऑप्शन है राइट हैंड ग्रिप रूल तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डी मोटर फ्लक्स की दिशा निर्द निर्देश के लिए कौन सा नियम लागू होता है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग राइट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस तरह से आज के क्लास में हमने आपको इंपॉर्टेंट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए इसके पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप चेक कर सकते हैं या फिर मेरा जो वेबसाइट है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट आई टी डॉट इन इसमें भी जाकर आप पी डी एफ डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करना ना भूलें